सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रो साइड गेमर्स। सो गाइज आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। गाइज वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो मेरे ब्रो भाई की होगी यानी ब्रो की होगी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण ये टॉपिक जिस टॉपिक पे वीडियो है भाई आपने नेम पढ़ ही लिया होगा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे आजकल सब बना रहे हैं तो भाई सबको एकजुट होना है इस टॉपिक के लिए, इसलिए मैंने उनसे बोला भाई थोड़ा वेट कर एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं तो फिर अगली वीडियो अपनी अपलोड करेगा। तो मेरा दूसरे भाई ने भी अभी दो लोगों ने और ज्वाइन कर लिया है गाइस, अभी जो है बहुत ही मतलब प्रॉब्लम चल रही है गाइस। आज इस टॉपिक पे जो वीडियो है वो है गाइस क्या कहते हैं हैकर्स के ऊपर गाइस। हैकर्स मतलब आज तक इतना जो है हैकर का वो नहीं आया कि भाई इतने हैकर्स आज तक नहीं दिखे जितने आजकल हो रहा है भाई। आजकल देख ही रहे होंगे आप भाई हर दिन जो है कोई ना कोई हैकर आपको दिख ही रहा है और आजकल आज तक इतने हैकर्स नहीं आए जितने इस सीज़न से आने लग गए हैं गाइस। इतने हैकर्स तो मैंने पिछले सीज़न में देखे थे गाइस, पिछले साल मतलब सीज़न नहीं पिछले साल देखे थे, इतने तो मतलब कभी आए ही नहीं हैं गाइस। उससे भी ज़्यादा इस सीज़न में इतने हैकर्स आ चुके हैं गाइस कि लोग ही परेशान हो चुके हैं कि मतलब आजकल जो हो रहा है भाई जो अभी स्क्रीम वॉर्स जो चल रही हैं उसमें चल रहा है कि आपको मतलब हो रहा है वॉर्स चल रही हैं आजकल स्क्रीम वॉर्स चल रही है और भी बहुत चल रहा है तो उसके लिए बहुत हो रहा है, लेकिन उसमें अगर आपको कोई हैकर मार के चले जा रहा है स्क्रीम वॉर्स में या फिर आप चैम्पियनशिप लीग में कोई आपको हैकर मार के चला जा रहा है आपको भाई बहुत ही अफसोस होता है भाई। मेरा भी पिछले साल ये जो चैम्पियनशिप गाइस आई है ये जो चैम्पियनशिप आई है ये भी बहुत पिछले साल सेम टू सेम आई थी और पिछले साल भी इतने ही हैकर्स थे जितने इस साल हैं और सेम टू सेम टाइम था कि भाई पिछले साल ना स्क्रीन में ऐसे वॉर्स खेल रहा था मैं सो उसमें भाई मेरे को एक हैकर बंदे ने मार के भाग गया गाइस। आप ही सोचो कि कैसा लगता है गाइस कि भाई नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है और आपको कोई हैकर मार के चला जा रहा है गाइस, बहुत ही बुरा लगता है यार ऐसा ना। मतलब पिछले साल भी यही हुआ था लेकिन पिछले साल ना जो भी बंदे थे वो जो है हमारे साथ नहीं खड़े थे, सारे यूट्यूबर्स अलग अलग खड़े थे मतलब है एक अपना कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार जो सारे बंदे सारे यूट्यूबर्स एक दूसरे का एकजुट खड़े हो रहे हैं गाइस वो बहुत ही यूनाइटेड बात है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है वो, ऐसा गाइस होना ही चाहिए। और जो है क्या कहते हैं आजकल जो उस पर बता रहे अज्जू भाई टोटल गेमिंग जो है वो भी आजकल रोज मतलब लाइव स्ट्रीम में ये ज़रूर कहते हैं भाई हैकर्स को बैन करवाओ गाइस, हैकर्स अगर बैन हो गए ना गेम फेयर हो जाएगा गाइस, वी वांट फेयर गेम प्ले गाइस, फेयर गेम प्ले के बिना ना कुछ भी नहीं है गाइस। अगर फेयर गेम प्ले हमको नहीं मिला गाइस मैं तो भाई सोच लिया कि अगर फेयर गेम प्ले नहीं हुआ तो गाइस मैं तो छोड़ने ही वाला हूँ फ्री फायर अगर नहीं हुआ तो, बहुत ज़रूरी है गाइस अगर फेयर गेम प्ले नहीं हुआ तो किसी का मूड ही नहीं करेगा खेलने के लिए। और टू साइड गेमर्स भाई ने भी ऋतिक भाई ने TSG ऋतिक भाई ने भी बहुत ही अच्छी जो है बात की है कि भाई हैकर्स अगर हम इस साल अभी एकजुट नहीं होंगे तो गाइस कब एकजुट होंगे यार भाई कब एकजुट होंगे, हमें बहुत ज़रूरत है गाइस एकजुट होने की वरना हम ऐसे हैकर्स के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे गाइस। आजकल 70 लेवल से भी ऊपर के बंदे हैक कर रहे हैं गाइस, ये क्या सोच रहे हो आप कि भाई हैकर हैक मतलब ऐसा फेमस हो रहा है ना हैक कि भाई अगर आप ना ये बात छोटे बच्चों के सामने बोलो मत कि अगर छोटे बच्चों क्या होते हैं कि वो नेगेटिव बात को जल्दी समझते हैं गाइस, ऐसा होता है उनको लगता है कि भाई ये बात सही है तो वो जल्दी समझ जाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, बहुत गलत हो जाता है कि भाई ये होता है कि इससे नेगेटिविटी फैलती है और बच्चों को ये बच्चों को लगता है कि भाई ये अच्छी चीज़ है, बच्चे छोटे हैं तो वो इसको आगे करने लग जाते हैं तो ये बात हमें सही नहीं लगती भाई, ये नहीं होना चाहिए गाइस बच्चों के सामने ये नहीं होना चाहिए गाइस भाई, अगर अभी हम खड़े नहीं होंगे ना तो भाई कभी भी नहीं हो पाएंगे। आपको अगर हैकर्स बैन करवाना है अगर आपको, अरे पिछले साल तो गाइस ऐसा था कि भाई किसी को लेना देना ही नहीं है पता ही नहीं गेम में क्या हो रहा है किसी को, और अगर आप फेयर गेम प्ले चाहते हो और हैकर्स को बैन करवाना चाहते हो तो उसके 5 वेज हैं
गाइस फ्री फायर की ऑफिशियल जीमेल आईडी, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, प्ले स्टोर और यूट्यूब चैनल। गाइस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप जा सकते हैं। और आप मतलब क्या कीजिए, रेटिंग के लिए बैठे होते हैं प्ले स्टोर में, जो है बंदे रेटिंग के लिए बैठे होते हैं एम्प्लॉई, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता भाई। ऑफिसर्स भी बैठे होते हैं लेकिन एम्प्लॉई जो होते हैं ना, एम्प्लॉई उनको पता ही नहीं होता भाई गेम क्या है, भाई गेम में चल क्या रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, उनको बस अपने पैसे से मतलब होता है गाइस, उनको ये नहीं होता भाई गेम में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, वो बस अपना ही मतलब करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता यार गाइस। हमें इसी के खिलाफ तो आवाज उठानी है, अगर अभी हम नहीं उठाएंगे आवाज तो भाई कभी भी नहीं। अभी नहीं उठाई आवाज गाइस तो कभी भी नहीं। हमें ना प्ले स्टोर पर जाकर गाइस आप जितनी भी रेटिंग देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन भाई हैशटैग बैन हैकर जरूर लिखिए गाइस, हैशटैग बैन हैकर्स गाइस, ये स्लोगन अगर आपने बढ़ा दिया ना भाई, देखना एक दिन हैकर्स का कचूमर नहीं हो जाएगा भाई। आजकल तो भाई छोटे नूबड़े बंदे भी भाई हैक करना सीख रहे हैं, मुझे इतना हैक के बारे में नहीं पता, लेकिन भाई स्क्रिप्ट बहुत यूज़ हो रही है गाइस। आपको दो चीज़ें करनी है, प्ले स्टोर पर जानी है, जितनी आप रेटिंग देना चाहते हैं रेटिंग दीजिए, और लिखिए हैशटैग बैन हैकर्स, हैशटैग बैन स्क्रिप्ट, हैशटैग बैन डबल रैंक टोकन्स। गाइस डबल रैंक टोकन्स के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है भाई डबल रैंक टोकन से क्या होता है, रैंक बहुत ही फुल लेवल पर बढ़ती है गाइस, अगर आपकी 50 प्लस हुई है ना वो 100 प्लस होगी, अगर आपकी 20 प्लस हुई है वो 40 प्लस होगी। गाइस जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा, और जो रैंक पॉइंट्स मिलता है ना, रैंक टोकन्स मिलते हैं, वो भी डबल हो जाते हैं गाइस उससे। ये चीज़ बहुत ही गलत होती है गाइस, भाई हमारा तो नहीं होता ऐसा गाइस, अगर ये चीज़ रुक गई ना तो भाई कोई भी नहीं रोक सकता बैन होने से हैकर्स को। गाइस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा।